नमस्कार, मैंने आप देख रहे फर्स्ट बिहार। महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी की हम पार्टी काज कार्यकारिणी बैठक था और बैठक अब खत्म हो चुका है। बैठक खत्म होने के बाद बिहार सरकार में जो मंत्री थे और अब जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बैठक में क्या क्या बड़ा फैसला लिया गया है इस बात को सामने रखा। हम आपको बताते चलें कि अब जीतन राम मांझी और संतोष सुमन राज्यपाल से मुलाकात करेंगे आज शाम में और उसके बाद बड़ा खेला किया जाएगा। हम आपको बताते चलें कि आज प्रेस वार्ता में संतोष सुमन ने ये कहा कि हम दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली जाकर एनडीए में शामिल होने की बात पर मुहर लगाएंगे। आज मीडिया से बातचीत करने के दौरान संतोष सुमन ये कहते नजर आए हैं कि हम फिलहाल अभी दिल्ली जा रहे हैं और उसके बाद 2-3 दिन में मुहर लग जाएगा कि हम एनडीए में शामिल हो रहे हैं या नहीं। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन दिल्ली जाके अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद एनडीए में शामिल होंगे या नहीं, इस पर मुहर लग जाएगा। हम आपको बताते चले कि आज संतोष सुमन ये कहते नजर आए हैं कि हमारा विकल्प हर जगह से खुला है, हम ढेर सारी पार्टियों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि अभी दिल्ली जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जो पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे भी हमें बातचीत करनी है, जितने भी जो है एनजीओ हमारी पार्टी चला रही है उनसे भी हमें बातचीत करनी है और एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। साथ ही साथ जो 5 सीट पर लोकसभा चुनाव की बात हम पार्टी कर रहे थे, इस पर भी आज संतोष सुमन बातचीत कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी महागठबंधन पर यह दबाव नहीं बनाया था कि हमें 5 सीटों पर चुनाव लड़ना है लोकसभा में, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी 5 सीटों पर तैयारी है और अगर हम इस 5 सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा में हम इन 5 सीटों पर जीत सकते हैं। ये तमाम बातें आज संतोष सुमन कहते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने बड़े खेले की बात कर दी। आज जीतन राम मांझी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद बिहार में एक बड़ा खेला होगा। अभी आपको हम इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, हमारे संरक्षक महोदय और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ऐसा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम लोग ने आज डिसाइड कर लिया। हमारा विकल्प खुले हुए हैं, हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे और निश्चित तौर पर अगर उधर से हम लोग को बुलावा आया एनडीए की तरफ से तो उनके नेताओं से भी बात करेंगे, लेकिन हम थर्ड फ्रंट की बात भी करेंगे और बहुत सारे लाइक माइंड पार्टियाँ हैं और कुछ बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमारी बातें होगी और सब बातों पर विचार करने के बाद 3-4 दिन के अंदर में हम लोग निचोड़ पर पहुंचेंगे और उस निचोड़ जो फलाफल होगा आपको खबर कर देंगे। आज का जो हम लोग का विषय है, हम लोग सभी साथी जो यहाँ बैठे हुए हमारे माननीय सदस्य विधायक जो हैं, हमने सरकार का समर्थन दिया था, लिखित समर्थन दिया था। हम महामहिम महोदय राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा है और आज संभवतः 5 बजे या 6 बजे का समय मिलेगा। जिस समय मिलेगा हम लोग सब लिखित तौर पर जा करके सरकार से अपना समर्थन वापसी के लिए हम लोग आज चले जाए निकला है और जो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है उस अधिकार को मैं करके 3 दिन के अंदर में निर्णय। देखिए, ये बात नहीं है कि बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी अभी विचार हमें एक शक्ति प्राप्त हुई और हमारे सम्मानित जितने सदस्य हैं हम लोग सब बैठेंगे एक बार फिर से और निश्चित तौर पर हम लोग सबसे बातें करेंगे और पार्टी हित में जो होगा, जो दल हित में होगा, कार्यकर्ताओं के लिए होगा और हमारी जो हम जिस गरीबों की आवाज़ बनना चाहते हैं उसमें हम निर्णय। आज तक हम लोग किन्हीं से सीट मांगे ही नहीं है, ना महागठबंधन में हम लोग मांगे थे, ये दबाव की बात कहाँ आती है। हम तो अपनी बात अपनी तैयारी की बात बोले थे कि हम 5 सीटों पर इतनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं कि हमको मौका मिलेगा तो वहाँ से हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो जीत करके संसद में जा सकते हैं, ये बात हमने कही थी। कोई दबाव नहीं है, जब बातें होगी कि नहीं से तभी तो सीट की संख्या बताई जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। अभी बहुत प्रीमैच्योर है साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप 2-3 दिन 4 दिन रुके, हम लोग दिल्ली से लौटेंगे। निश्चित तौर पर दिल्ली हम जा रहे हैं तो अपनी संभावनाओं को तलाश करने जा रहे हैं और भी स्वास्थ्य कारणों से भी जा रहे हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर कि सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और 2-3 दिन का समय दीजिए, हम दिल्ली से वापस आएंगे तो एक स्पष्टता लेके आएंगे। देखिए, अभी अभी कोई तय नहीं है, दिल्ली जाने के बाद तय होगा तो आपको तो पता ही चल जाएगा। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।